हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरिएबल इन सी। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल किसे कहते हैं, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर और इनिशियलाइज किए जाते हैं और वेरिएबल के कौन कौन से रूल्स हैं। सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल्स इन सी। सो फर्स्ट पॉइंट इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड वेरिएबल। मीन्स मेमोरी लोकेशन पर डेटा स्टोर करने से पहले इन लोकेशन को नेम दिए जाते हैं जिन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स मेमोरी लोकेशन नेम्स होते हैं जिनकी मदद से मेमोरी में डेटा रखा या निकाला जाता है। सेकंड पॉइंट, इट इज़ यूज्ड टू स्टोर डेटा। हम वेरिएबल्स का यूज़ डेटा स्टोर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरिएबल्स आर चेंजेबल। वेरिएबल्स हम चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग द वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दरमियान वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वेरिएबल्स कैन बी रीयूज्ड मेनी टाइम्स। वेरिएबल्स हम मेनी टाइम्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द वेरिएबल्स। नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड अ वेरिएबल। सो नेक्स्ट पार्ट इज डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ सी। सिंटैक्स, टाइप मीन्स डेटा टाइप एंड वेरिएबल लिस्ट। यहाँ पर हम वेरिएबल नेम देंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, टाइप में यहाँ पर इंटीजर टाइप है और वेरिएबल है ए। मीन्स ए वेरिएबल में हमारा इंटीजर टाइप का जो भी वैल्यू रहेगा वो स्टोर होगा। सेकेंड, फ्लोट बी। मीन्स बी वेरिएबल है फ्लोट टाइप का। सो बी में सिर्फ जो भी फ्रैक्शनल वाले वैल्यूज रहेंगे, फॉर एग्जांपल 0.2, 0.3, वो वैल्यू स्टोर होंगे। नेक्स्ट, थर्ड, इंट ए इज इक्वल टू 10, कॉमा बी इज इक्वल टू 20। यहाँ पर दो वेरिएबल लिया है हमने, ए और बी, और इस वेरिएबल में हमने वैल्यू असाइन की है 10 और 20 यूजिंग असाइनिंग ऑपरेटर। सो दिस इज़ द इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, जहाँ पर हमने वेरिएबल को डायरेक्ट वैल्यू पास की है, असाइन की है यूजिंग असाइनिंग ऑपरेटर। नेक्स्ट, फ्लोट पी इज इक्वल टू 1.23। सो पी को भी हमने एक वैल्यू असाइन की है। सो दिस इज़ द इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। नेक्स्ट, कैर सी। सी इज़ अ वेरिएबल ऑफ कैर डेटा टाइप। कैर डेटा टाइप को भी हमने एक कैरेक्टर असाइन किया है ए। सो दिस इज द डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। नेक्स्ट पार्ट इज द रूल्स ऑफ वेरिएबल। सो हम कौन कौन से रूल्स हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने के लिए जिन्हें हमें फॉलो करना है। सो फर्स्ट है, अ वेरिएबल कैन हैव अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम सिर्फ अल्फाबेट्स होंगे, डिजिट्स होंगे और अंडरस्कोर ही होंगे। ये फर्स्ट रूल है। और सेकेंड रूल, अ वेरिएबल्स नेम कैन स्टार्ट विथ द अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली एंड इट कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट्स। सो जो भी वेरिएबल्स के फर्स्ट कैरेक्टर हैं वो अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर से स्टार्ट होंगे, डिजिट से नहीं होंगे। नेक्स्ट रूल्स इज नो वाइट स्पेसेस इज अलाउड। जो भी हमने पिछले वीडियो में वाइट स्पेसेस देखा था, न्यू लाइन, हॉरिजेंटल टैब, तो ये वेरिएबल में अलाउ नहीं होंगे। लास्ट इज नो कीवर्ड्स इज अलाउड। देर आर 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। सो वो 32 कीवर्ड्स भी यहाँ वेरिएबल में यूज़ नहीं होंगे। सो दिस इज़ द रूल्स ऑफ वेरिएबल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।